नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। क्या मोदी के परिवार की चर्चा कर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने खुद की मुश्किलें बढ़ा ली हैं? क्या मोदी का परिवार अभियान 2019 के मैं भी चौकीदार अभियान की तरह बीजेपी के लिए 2024 में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? क्या पीएम मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाकर विपक्ष ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया है? क्या लालू का एक बयान पूरे इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ सकता है? लालू के बयान पर बीजेपी ने जैसा आक्रामक रवैया अपनाया है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भगवा पार्टी लोकसभा चुनाव तक इस मोमेंट को बरकरार रख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक माहौल एक तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है। 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर है कहना शुरू किया था। इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने मैं भी चौकीदार की मुहिम शुरू कर दी थी। अब उसी तरह मोदी का परिवार मुहिम की शुरुआत हो गई है। दरअसल इंडिया में शामिल आरजेडी नेता लालू यादव ने पटना में एक रैली में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तेलंगाना में एक रैली में मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं। तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, जिनका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनके हैं। मेरा भारत मेरा परिवार है। इसके बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार की मुहिम चला दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के सभी मंत्री, मुख्यमंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि लालू यादव ने क्या कहा था। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं है, तुमको होगा बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू के बयान के ठीक बाद बीजेपी के नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके लगे हाथों इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लालू प्रसाद ने इंडिया के नेताओं की मौजूदगी में ओछी टिप्पणी की है, यह दुखद और पीड़ादायक है। त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने पिछले 10 साल में कभी छुट्टी नहीं ली। वह दीपावली भी सीमा पर जवानों के साथ मनाते हैं। पटना की रैली में लालू यादव ने यह भी कहा था कि मोदी सच्चे हिंदू नहीं हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वाले आज हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी की तरह बीजेपी के अन्य नेता भी लालू के खिलाफ हमलावर हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो लालू को चारा चोर तक कह दिया। सुनिए स्मृति ईरानी का बयान। उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूँ, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार, कौन है मोदी का परिवार। अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, इसीलिए हर युवा को बाहर आना है। चुनाव में विपक्षियों के बयानों को बीजेपी ऐसा मुद्दा बना लेती है जिसमें खुद विपक्षी नेता घिरते चले जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में रफाल की डील को लेकर जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा तो बीजेपी ने मैं भी चौकीदार की ऐसी मुहिम चलाई कि
कि वह विपक्ष पर ही भारी पड़ गया। लालू के बयान के बाद अब मोदी का परिवार मुहिम को बीजेपी उसी तरह फोकस कर रही है। दिल्ली में जगह जगह मोदी का परिवार के पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक यह पूरी मुहिम चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखाई देगी। यह अभियान चुनाव तक जारी रहेगा। बीजेपी कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधती रही है। हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर खूब तंज कसा था। लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद क्या है इसकी पूरी परिभाषा ही दे डाली थी। अब जब लालू यादव का पीएम को लेकर बयान आया तो बीजेपी परिवारवाद पर और अग्रेसिव हुई है। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।